आज हम सिखाएंगे आपको 35 नंबर से पंखा कैसे बनाएं घर पर। और ये स्टेटर है, स्टेटर में कोयल कैसे डाली जाती है, फिल्म कैसे लगाई जाती है, यही सब आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप देखिए हम कोयल कैसे बनाते हैं और इसकी लंबाई क्या होती है। ये इसकी लंबाई होती है 12.5 इंच और एक पटरी पे 2 कीले आप गाड़ लीजिए, 12.5 इंच नाप लीजिए और उसी में तार बांध करके आप इसका ट्रेन डाल लीजिए 250। 250 आप डालिए स्टार्टिंग में और 260 डालिए आप लोड पे। इसी तरीके से हम कोयल बनाते हैं। आप घर बैठे अपना पंखा सही कर लीजिए, कहीं मिस्त्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और हमने 260 फंदे अपनी कोयल में डाल लेते हैं। डालने के बाद में अब हम कोयल को खोल लेंगे। कोयल खोलने के बाद में ऐसा होता है कि ये अच्छे से बांध ली जाए जबकि तार उलझे नहीं। और आप एक पेंच खोल लीजिए। पेंच खोलने के बाद में आप इस कोयल को निकाल लीजिए। ये आपकी कोयल बन करके तैयार हो गई। और इसी प्रकार से हम 4 कोयल बना लेते हैं। 4 कोयल बनाने के बाद में हम अब आप लोगों को बताएंगे कि स्टेटर में अच्छा भी कोयल लगाना नहीं बताएंगे, लेकिन पहले फिल्म लगाना बताते हैं। पहले फिल्म लगाई जाती है तो ये स्टेटर रहा, इसमें अब हम फिल्म लगाना बताएंगे। इसमें आप फिल्म पेपर उठाइए और उसकी पत्ती काट लीजिए, नाप करके जितनी आयु जिस साइज का हो उसी साइज में आप पत्ती लगा लीजिए। इसको हम काट लेते हैं। कट गई पत्ती और इसको अब स्टेटर में डाल के देख लेते हैं कि किस साइज की इसमें लगेगी, कितनी छोटी कितनी लंबी कितनी चौड़ी। ऐसे हमने नाप लिया। नापने के बाद में इतनी ही पत्ती हम काट लेते हैं। काटने के बाद में इसमें डालिए, देखिए इसे अच्छी बैठती है नहीं बैठती है। ये देखो बिल्कुल फिट बैठी है और बिल्कुल थोड़ा सा हम काट देते हैं
और उसके बाद में फिर चेक कर लेते हैं। हाँ, फिर इसके हम दोनों तरफ के सिरे दाब करके इसको गोल कर लेते, दोनों सिरों को गोल करने का मतलब यह है कि हमारी कॉइल इसके अंदर फिट बैठ सके और ये फिल्म सलाड के अंदर अच्छी तरीके से बैठ जाए, इसलिए हम गोल गोल करते हैं। और इसमें पत्तियां सारी डाल देते हैं। पत्तियां डालने के बाद में वो आपका स्टेटर जो है वो एकदम मेंटेन हो गया है, तैयार हो गया है। आप इसमें अब कोयल डालेंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। और कोयल डालने के लिए अगला वीडियो हमारा देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको योगेंद्र मौर्य का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।